सड़क पर बैठी हुई एक निर्धन महिला पर आप दया कर सकते हैं। कोई बहुत गरीब दिख रही है महिला, तो आप देखकर उस पर दया कर सकते हैं, किंतु रमन नहीं कर सकते। रमन माने पार्टी में बुला करके उसके साथ गप्पे लड़ाना, आनंद लेना, ये कर सकते हैं क्या? ये तो आपको अपने मन वाली चीजों से ही होगा, जो मन से लोग मिलते होंगे। नहीं तो आप कई लोगों का तो नाम काट देते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, झगड़ती है, इसलिए इसको नहीं बुलाना है, इसको बुलाना, ये अच्छा समय है, इसके साथ निकलता है। तो आप हर चीज को करते हैं, रमन अपनों के साथ किया जाता है। भगवान के लिए सब दया के पात्र हैं, लेकिन रमन जो भगवान के हैं, जिनमें क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो कर सकते हैं, भगवान की खुद की इच्छा है। तो ये गोपी कोई सामान्य नहीं है महाराज, इनको सामान्य मत समझ लेना, कोई गोवर वोवर उठाने वाली या ऊंचा ऊंचा लहंगा पहनने वाली, ऐसा नहीं समझना। योग्य है, ये साधना से संपन्न है, बड़ी तप किया है इन्होंने। इनमें कई ऐसी गोपियां हैं जिनको उनके परिवार वालों ने जाने नहीं दिया, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, और वो चिल्लाती रही कि एक बार हमें जाने दो, जाने दो, हमारे प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं माने, तो फिर उन्होंने वही की वही प्राण त्याग दिए। और उन गोपिकाएं जो गई हैं, जिनको जाने का अवसर मिला है, उनसे पहले पहुंच गई। कुछ ऐसी गोपिकाएं हैं जो संसार में ही लगी रही, किसी कारणवश संसार के उन कार्यों में फंसी रही, नहीं पहुंच पाई, तो कहा कि उनकी पवित्रता नहीं थी उस रासमंडल में पहुंचने की। तो फिर उनको अनंत जन्मों के पापों का ऐसा वियोग हुआ, ऐसा वियोग भगवान से लगा, और इतना ताप मिला उन्हें कि उनके जितने भी पाप थे भगवान के वियोग से, कि हम जा नहीं पाए, तो सारे पाप जल गए, जो पुण्य बचे उससे भगवान का योग ध्यान जुड़ा, और वो फिर वहीं घर पे बैठे बैठे रासलीला का दर्शन कर पा रही है। ये कोई साधारण स्थिति है रास में पहुंचने की? कोई घर पे बैठे और आप पार्टी कर रहे हो महाराज, और कोई कहे कि मैं तो घर में बैठ के ही पार्टी का आनंद ले लिया, हो सकता है? हाँ, कथा का तो आनंद ले सकते महाराज, आजकल तो विज्ञान माध्यम है, कितने सारे भक्त सुन रहे होंगे इसी कथा को, जहां पर है वहां से सुन रहे होंगे, ना जाने कितने शहरों से सुन रहे होंगे, पर यहां पर बैठकर जो आप आनंद ले सकते हो, वहां तक जा रही है, मेरी कथा भी जा रही है, प्रभु का नाम भी जा रहा है, लेकिन यहां जो आप पूरे ठाकुर जी का यह स्वरूप देख पा रहे हैं, वो उनको उतना पर्याप्त थोड़ा मिल रहा होगा। यहां जो आप पूरी तरह समग्रता से पूरी कथा को देख पा रहे हैं, वो तो ये हमारे वीडियोग्राफर भैया जहां जहां दिखा देंगे, बस वही वो देख पाएंगे। वो कभी हम पर कैमरा लगा दे, कभी आप पर कैमरा लगा दिया, बस जो आप हैं यहां पर, वो जो आनंद ले रहे समक्ष बैठ करके, वैसा आनंद थोड़ी ना मिल सकता है। लेकिन ये स्थिति देखिए कि वो वहां गोपियां एक जगह बैठ करके अपने ही घर में, और कहां रास में पहुंच गई, और पूरी समग्रता का आनंद ले रही हैं। यहां पहुंची हैं गोपिकाएं, प्रभु ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागम, स्वागत है देवियों, क्यों आना हुआ? और गोपी क्या कहे महाराज, और यहां भगवान ने जब पतिव्रता की बात कही, फिर गोपिकाओं ने भगवान को एकदम से चुप करा दिया, तो फिर प्रभु मौन हो गए, क्योंकि गोपिकाओं ने ऐसा हमारा प्रश्न किया, वो पति वाला, कि तुम बताओ दरवाजे पे खड़ा हुआ पति है, कैसे अंदर ले, या वो फोटो को ही देखती रहे? तब भगवान ने कहा वो असली पति को लेना चाहिए अंदर, अब तो उस नकली फोटो का क्या काम। तो कहा कि ये संसार भी तो अपने फोटो रूप में भेजा है हमें दे करके, इसी को ही सब सत्य मानो। अब आप असली पति आ गए, तो फिर क्यों हमें संसार पकड़ा है? क्योंकि आप तो सभी सबके पति हैं, जगत पति हैं प्रभु, जीवात्मा आता भी है तो आपसे, और जाता भी है तो आप में ही जाता है, इसलिए सबके एकमात्र पति आप हैं। भगवान मौन हो गए, रास हुआ, और जैसे ही रास हुआ महाराज, अभिमान आ गया गोपिकाओं को,
कभी भगवान की कृपा प्राप्त हो तो कभी किंचित मात्र भी अभिमान मत करिएगा कि ये सब हम पे हमारी साधना का बल है। हमारी साधना में ये बल नहीं कि भगवान की प्राप्ति करा ले। आप चाहे कितनी माला जाप कर ले, कितना भी मरद तीर्थाटन कर ले, कितना तप कर ले, कोई नहीं पता कि आपको भगवत प्राप्ति होगी। जब तक वो श्री हरि कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे ब्रज के एक संत थे, पैरों से अपाहिज थे, पैर नहीं थे, ऐसे रगड़ रगड़ के चलते थे, किंतु भगवान का दर्शन प्रतिदिन करते थे। प्रतिदिन जाते थे बिहारी जी और दर्शन करके आते थे। तो एक दिन महाराज एक संत जी थे जिनको भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। वो एक जगह बैठ जाते तो भगवान उनको नित्य निकुंज में ले जाते और राधा कृष्ण की जो लीला होती थी वो देखते थे। तो वो रास्ते में चलते हुए वो लीला देख रहे थे कि राधा रानी के भगवान केश संवार रहे, केश बना रहे, चोटी बना रहे, उसमें फूल जड़ रहे। तो राधा रानी कह रही है कि कन्हैया जी तुम्हारा मुख जो है वो तो काला है, एकदम अवामश्य की काली रात। तो ठाकुर जी कहते हैं आप तो पूर्णिमा को चंद्रमा हो, मिल तो गई हमारी जोड़ी। तो इतने मुस्कुरा जाते हैं। तो वो जो अपाहिज संत थे, दिव्यांग संत थे, वो वहां बाहर कुटिया में बैठे थे। उनको लगा कि ये जो महात्मा है मेरे इस शरीर पे हंस गया, और जैसे वो दुखी हुए तो इधर इनकी लीला दिखना बंद हो गई। अब इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत रोए, अब किसी को अमृत मिल रहा हो और अचानक उससे महाराज वो छीन लिया जाए, ऐसा समझिए आपने बहुत जीवन भर की कमाई कमाई हो और अचानक लुट जाए, कैसी आफत आ जाएगी आप पर? कि आपने खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत की और वो एक समय में एक ही पलक झपकते ही सब लुट जाए, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। उनसे रहा नहीं गया, अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा किसी संत का अपमान हुआ, इसलिए भगवान ने तुमसे वो अपना वैभव अपनी कृपा छीन ली, तो क्या करो? बोले भंडारा करो, सभी संतों का चरणों दख लो, चरण धो के लो, उनमें कोई भी संतों का अपराध हुआ है तो चरण चरणों दख लेने से, चरण में गिरने से तुम्हारा अपराध समन हो जाए। वृंदावन का प्रत्येक संत आए, सबके चरणों तक लेते रहे लेते रहे लेते रहे, लेकिन उनको वो दर्शन नहीं हुए। अचानक वही अपाई संत आते और जैसे ही चरणों तक लेने जाते वो कहते नहीं नहीं मेरा चरणों तक नहीं लेना, तुम तो उस दिन मुझ पे हंस रहे थे। उनके गुरुदेव ने कहा इसी का अपराध हुआ है, चरणों में पड़ जाते महाराज, मैं हंस नहीं रहा था, भगवान की लीला देख रहा था, इस कारण से आपको ऐसा लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे। तब उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरे कारण भगवान ने इनको, मेरे अपराध से, मेरा अपराध मानकर भगवान ने इनसे अपनी कृपा छीन ली। प्रभु से प्रार्थना करते उन्हें क्षमा दान, और इतने में फिर भगवान की लीला आरंभ हो जाती है उनके जीवन में। तो भगवान स्वयं चाहे तो अपनी कृपा करके भक्तों के बिल्कुल समीप तक चले जाए, नहीं तो शास्त्र कहते हैं ना प्रवचन ना प्रवचनेन ना बहुना श्रुतेन, ना तो प्रवचन करने से, ना बहुत सुनने से, ना अत्यधिक बुद्धि में होने से मैं मिलता हूँ। फिर उसकी अगली कड़ी में लिखते हैं किसको मिलता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ उसी को यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, जिसको मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जाने, बस उसकी पहुंच तक, उसकी बुद्धि तक, उसके मन तक मैं पहुंच जाता हूँ, वरना मन और बुद्धि की सामर्थ्य नहीं मुझ तक पहुंच जाए। काली का स्वरूप देखा है आपने, माँ काली का, उसे भगवान की चिद शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म की शक्ति है वो। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो काली का रूप दिखाया है वो इसीलिए, यदि काली की पूजा करनी आरंभ कर दी, काली को यदि आप देखकर डरे नहीं तो जीवन में कोई डर नहीं होगा जो तुम्हें डरा दे, क्योंकि काली का मृत्युमय शरीर है, उनके शरीर पे ऊपर से नीचे तक आपको मृत्यु ही नजर आएगी, लटके हुए नरमुंड, लटकी हुई नर कपाल इत्यादि,
हाथों की मालाएं, कटा हुआ सिर जिसमें रक्त बह रहा है। अब कितना भयानक रूप है माँ भगवती का। लेकिन देखिए महाराज, अगर आपने माँ भगवती की उपासना, तो सारे भय संसार के खत्म हो गए। कैसी शक्ति है भगवान की, माँ काली की जीभ निकली होती है ना जीभ, पूरी पूरी निकली होती है। अब जीभ निकाल के कुछ बोल करके देखो, बोल पाओगे? बोल सकते हैं? एक शब्द बोले, राम श्याम हरे कृष्ण, पूरी जीभ निकल के यहां तक की, फिर बोल के बताओ। बोलोगे, शब्द आएंगे हृदय से, लेकिन बोल नहीं पाओगे। यही प्रभु की शक्ति है कि जहां शब्द आए लेकिन उनकी सीमा रुक जाए, क्षमता ना हो। ये माता काली का स्वरूप दिखाया है भगवान की शक्ति का, कि वो ब्रह्म कैसा है। वो ब्रह्म ऐसा है कि जिसकी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वहां तक ना तो बुद्धि पहुंच सके, बुद्धि जाए तो रिटर्न हो जाए वापस, मन जाए तो उसे लौटना पड़े, वाणी जाए तो लौटना पड़े, उस परमात्मा का ना पता कर सके। लेकिन वही परमात्मा चाहे तो वाणी तक आ जाए, मन तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, अपनी कृपा करके। इसलिए कहा कि भगवान की इच्छा है, तो यहां अभिमान हुआ गोपिकाओं को, भगवान दूर हो गए। तब गोपिकाएं चारों ओर ढूंढने लगी, जब कहीं प्रभु नहीं मिले, तब रो करके सभी गोपिकाएं कहते हैं, जब व्यक्ति खूब परिश्रम करके हार जाता है, फिर एकमात्र आसरा बचता है प्रभु, अब आप अपनी आपकी ही कृपा से आप मिलेंगे, इसलिए अब आप कृपा करिए मुझ पर। और जब व्यक्ति भाव से भगवान के लिए रो पड़ता है, तब श्री हरि की कृपा उस व्यक्ति पर होती ही होती है, मन निर्मल हो जाता है। एक साथ सभी रोई है और सबने एक गीत का निर्माण किया, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। आइए बड़े भाव के साथ उसका दर्शन करें। गोप्य उचो जयति ते धिकम् Oh,
आपके आने से ये पूरा ब्रज मंडल, यहाँ लक्ष्मी भी आकर के सेवा करती है, आपके आने से सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम तो आपकी अशुल्क दासिका है। आप संसार आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, हमने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा। क्या मांगा? सिर्फ आपको मांगा। क्या ये हमारा अपराध है? अरे कोई किसी की हत्या कर देता है, किंतु आप तो हमें विरह देकर हमें मार रहे हैं, तो फिर बचाया क्यों कालिया नाग से, बचाया क्यों इंद्र से, और आज आप अपना विरह देकर मार रहे हैं। ये आपके लिए ठीक है? आप तो करुणा सिंधु हैं। जब रोई हैं तो भगवान साक्षात वहां प्रकट हो गए, और फिर ऐसा महाराज हुआ 6 महीने का। सब देखते के देखते रह गए, लेकिन प्रवेश किसी को नहीं था। किसको प्रवेश मिला? एक देव थे जिनको प्रवेश मिला, महादेव। कौन थे? गोपेश्वर बनकर वही प्रवेश कर पाए, क्योंकि वो स्थिति ऐसी है। कौन जा सकता है? बोले जो समाधिस्थ है, किसी देवता में योग्यता नहीं है। किसमें थी? महादेव में थी, हमेशा समाधि में, योगी है वो। गए महाराज। आइए हम भी बड़े भाव के साथ चलते रास की ओर, क्योंकि रास बाहर नहीं घटित होता है, कहाँ होता है? हृदय के अंदर। मन ही वो वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, और सारी इंद्रियां ही गोपिकाएं हैं। सुबह सुबह इंद्रियां भागती है संसार की ओर, और रात्रि में फिर सब इकट्ठी होकर के आती है कृष्ण से मिलने, तभी आप निद्रा में जाते हैं। अगर एक भी इंद्री बाहर हो जाए, ये गोपी बाहर चली जाए, आंख कहीं अन्यत्र देख रही हो, दिमाग कहीं हो, तो नींद नहीं आएगी। सब रात्रि को आती है, लौट कर आती है कृष्ण में मिलने, और फिर बेखबर हो जाती है संसार से। फिर आपको याद नहीं रहता आप कहाँ हैं, क्या हैं। सब गए महाराज, सब गोपी सब गई थी। किस भावना से? काम की भावना से, वासना की भावना से। तो यहाँ क्योंकि हम लोग प्रश्न करते हैं, इसलिए पहले ही परीक्षित ने हमारी तरफ से प्रश्न कर लिया सुखदेव जी से, कि जब भगवान को ब्याह नहीं करना था गोपिकाओं को, तो बुलाया क्यों? तो कहा, गोपिकाएं सब वासना लेकर गई थी, काम भावना लेकर गई थी, लेकिन भगवान सभी की कामनाओं को स्वीकार करते हैं। किंतु ये मत भूलो कि भगवान कृष्ण निष्काम थे। कौन थे? और निष्काम के पास यदि कोई जाएगा, आप भले कितनी कामना लेकर कृष्ण के पास जाओ, तुम कामना लेकर जाओगे, वो तुम्हें निष्काम ना करें, ये प्रभु का स्वभाव है। इसलिए आप पापी भी हैं तो भी उनके पास जाइए। क्यों? वो आपको पुण्यात्मा बना देंगे, क्योंकि उनके संपर्क में आया हुआ व्यक्ति कामी नहीं रह सकता। तो जैसे आग के सामने कोई ठंडा पानी डाल दे तो क्या होगा? बुझ जाएगी ना आग। तो कामनाओं की अग्नि लेकर के गई थी, लेकिन भगवान निष्काम थे, तो क्या हुआ? वो काम ही समाधि के भाव में परिवर्तन हो गया, बदल गया, रूप बदल गया। अरे एक छोटा सा महाराज व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। एक महापुरुष हम सभी हमारे आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद। जब वो विदेश की धरती पर गए, तो वहां एक ईर्ष महिला आई, और उसने आकर के कहा कि महाराज, मार्गरेट नोबल एलिजाबेथ उसका नाम था। अब वो बहुत सुंदर थी, स्वामी विवेकानंद जी के पास जाती है और बैठी और कहने लगी, स्वामी जी मुझे आपके जैसा पति चाहिए, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी है। अब वो कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, तो उसने सोचा कोई कास्ट होगी, जाति होगी, नहीं नहीं मुझे सब चलेगा। उन्होंने कहा, आप कैसे समझाओ इस विदेशी महिला को कि सन्यास क्या होता है? एक सन्यासी कभी ब्याह के बारे में तो क्या दोबारा किसी ऐसी चीजों के विषय में सोचना है, उसके लिए अपराध है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। तो तुरंत अपने सोफे से जहां पर बैठे थे उससे उतर कर आते हैं, उसके चरणों में बैठ जाते हैं। मेरा जैसा मैं कहां लाऊंगा, तुम मुझे कोई पुत्र मान लो। क्या मान लो? बेटा मान लो। वो महिला अवाक रह गई। उसने कहा, उसके मन में एकदम भाव जगह, इतनी सुंदर हूं मैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। आज इन महात्मा को, क्योंकि जिस
समय स्वामी विवेकानंद गए तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उस समय उनको एक एक रुपए की आवश्यकता थी। 12-12 घंटे लेक्चर देते थे, तब उससे जो कुछ मिल जाए उससे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। संतों के पास होता क्या है महाराज, वो जो भी कुछ प्राप्त होता है फिर उसको सामाजिक कार्यों में लगा के जाते हैं, अपने निजी स्वार्थ में नहीं, उसी से व्यवस्था चलती है। आज आपको सेवार्थ बड़े बड़े हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन के दिखाई पड़ते हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई नींव है कि उस समय भारत की दुर्दशा जो थी जिसको देख करके उनकी आत्मा रोती थी, तो वही महिला स्वामी विवेकानंद जी के उसको देख करके, इनको पैसे की जरूरत है लेकिन इनको पैसे पर नहीं, ना मेरे सौंदर्य पर, ऐसा क्या है सन्यासी के पास। और वही महिला फिर आगे चल करके सन्यासिनी बन जाती है। क्या बन जाती है? और नाम पड़ता है बहन निवेदिता, जिसने भारत में आकर महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। अब बताइए, स्वामी जी निष्काम थे इसलिए क्या हुआ, वो महिला भी काम भावना से आई थी, क्या हो गई? निष्काम हो गई, सन्यासिनी बन गई। उसने अपना जीवन पूरा सामाजिक सेवाओं में और स्वामी जी के कार्यों में लगाया अपना पूरा जीवन। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण है महाराज, आप तो काम निष्काम, उनके सामने कोई काम भावना लेकर जाए और उसे निष्काम ना करें। इसीलिए गोपी प्रेमध्वजा हो गई कि उसका वो काम बदल करके क्या हो गया, भगवान की उस स्तर की उपासना में बदल गया कि अब कृष्ण का होना ना होना बराबर है, कि अगर समक्ष भी नहीं है तो भी कृष्ण उससे दूर नहीं है, ऐसी स्थिति पर लाकर भगवान ने उसको खड़ा कर दिया। तो यहां प्रभु ने गोपी यहां पर रास कृष्ण का वर्णन आया और आगे चलकर भगवान ने अनेक अनेक अस्त्रों का वध किया और फिर प्रभु 11 वर्ष की आयु में ब्रज का त्याग करके और मथुरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के को जब देखोगे ना महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण में हर तरह का रंग दिखता है, हर तरह का। कि जब वो ब्रज में रहते हैं तो तुम्हें लगेगा कि कृष्ण गोपियों के साथ हमेशा ऐसे हिल मिल के रहते, कि आपको लगेगा कि ये इनको कितनी आशक्ति है कि छोटे से कन्हैया को माखन के लिए गोपियां नचाती हैं, छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। लेकिन जब वो ब्रज को छोड़ कर गए तो दोबारा पलक भर के देखा तक नहीं, मुड़ गए। कितना त्याग है उनके जीवन में, वैराग्य में आए तो पूरा परिवार नष्ट हो रहा था, पूरा परिवार का विनाश होते जा हो रहा था उनकी आंखों के सामने। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों के विनाश पर ही भगवान को भगवत गीता याद आए, जिस समय अपने परिवार का विनाश हो रहा था तब भी उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश देने वाले हैं प्रभु। तो कृष्ण में, भगवान कृष्ण में आप हर रंग को देखेंगे, हर रंग को। तो यहां प्रभु ब्रज को छोड़ करके गए, ब्रजवासी बहुत रोकने का प्रयास किया किंतु प्रभु का कर्तव्य था, पवित्राणाम साधुनाम की लीलाएं प्रभु ने ब्रज में की। अब विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना है, इसके लिए प्रभु को जाना पड़ा। मथुरा में आए, कंस का आतंक महाराज जो था उसे समाप्त किया है भगवान ने, उसे मारा, खुद राजा नहीं बने। किसको बनाया? जो जेल में पड़े हुए उग्रसेन महाराज जो पूर्व में राजा थे उन्हीं को ही बना दिया। भगवान ने कभी राजगद्दी ग्रहण नहीं की, हमेशा दासता स्वीकार की, लेकिन लोग उनको द्वारिकाधीश के नाम से जानते थे, किंतु भगवान कभी राजा नहीं थे। तो या उग्रसेन को राजा बनाया, और फिर शिक्षा कितनी आवश्यक है, इसके लिए भगवान सांदीपन ऋषि के उज्जैन में गए आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। हमारी शिक्षा केवल और केवल हमारे काम तक सीमित ना रह जाए, केवल हमारे भोजन बनाने और पैसे कमाने तक ना रह जाए, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अगर सराउंडिंग में लोग हैं
उनका भी कल्याण हो सके। केवल शिक्षा अपने तक सीमित रह गई, अपना भरण पोषण अपना ही केवल दिखे तो वो असुर शिक्षा है। कैसी है? इसलिए साक्षर का उल्टा करेंगे तो क्या बनता है? राक्षस। तो हम साक्षर तो हो चुके हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे आपने एकेडमिक स्टडी की हो, खूब अच्छी शिक्षाएं ली हो, लेकिन अपने निजी स्वार्थ में ही संलग्न है तो फिर कैसी शिक्षा है? वो राक्षस प्रवृत्ति की है। रावण बड़ा विद्वान था, उसके समान उस दुनिया में कोई विद्वान नहीं था। वो बस बोलता था और शब्द फूट पड़ते थे, बड़ी बड़े स्त्रोत्रम निकल आते थे, किंतु किस काम के वो स्त्रोत्र, किस काम के स्तोत्र कि वो स्त्रोत्रम बोलता था। रावण इतना विद्वान था किंतु अपराध करता था, नारियों का अपहरण कर लेता था, ऋषियों को मारता था, तो वो शिक्षा किस काम की? इसलिए कहा भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक मानव मानव बने। एक गांव में एक सिंह आ गया, शेर आ गया, सभी लोग जान बचा के भाग रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, भागो भागो। वहीं पर एक जिसके पैर नहीं थे वो चिल्ला रहा था, मुझे कोई ले जाओ, मुझे कोई ले जाओ, पर किसी को सिर्फ को सबको अपने बचाने की पड़ी हुई, किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। अब वो भागे कैसे, उसके पास पैर नहीं है। शेर आया और उसको खा गया, उठा के ले गया उसको। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर निकल कर आए उसकी उसको बचाए। शेर ले गया, दूसरे दिन अखबार में छपा, क्या न्यूज बनी कि आज एक मनुष्य की हत्या नहीं पूरी इंसानियत की हत्या हो गई, क्योंकि किसी के अंदर भी मानवता नहीं जागी कि हम उस एक को बचाने के लिए कम से कम सैकड़ों तो बाहर आ जाते हैं। तो कहा कि आज किसी मनुष्य की हत्या नहीं हुई, किसकी हत्या हुई है? मनुष्यता की हत्या हो गई, कि जब हम किसी दूसरे के काम ना आए। तो केवल पुण्य या कोई किसी की मदद केवल और केवल धन से की जा सकती, ऐसा मत समझिएगा। आपके पास तन है, आप उसके तन से मदद कर सकते हैं, अच्छे वचन से कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, कोई गरीब दिख रहा और आप नहीं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम देख करके उस प्रभु के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हरि, आपने मुझे अपनी आंखों से ये सब देखने को कहा है, आप सब जगह रहते हैं, तो मेरी आंखों से इसका दुख देख करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसके दुखों का हरण कर लीजिए। ये भी कोई कम महाराज किसी की सहायता करना नहीं है। तो यहां पर भगवान मथुरा जाते हैं, कंस का विवध करते हैं, फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं, लौटकर आते हैं। तो कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, ये मगध देश जिसको आज हम बिहार कह लें, तो मगध देश के राजा की बेटी थी जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? ये जरासंध साधारण नहीं था महाराज, ये मर नहीं सकता था क्योंकि इसको वरदान था। जब ये पैदा हुआ तो मास के दो पिंड के रूप में पैदा हुआ, तो घर वालों ने पीछे फेंक दिया। तो एक राक्षसी जरा आई, उसने इसकी संधि की तो इसमें श्वास आ गई, जीवन लौट आया। तो फिर राजा को जब वो बालक को सौंपती और कहती है ये बालक को मैंने यहाँ से जोड़ा है, तो उसने कहा आप आज से तुमने जोड़ा है इसलिए तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुमने संधि की है, तुम्हारा नाम जरा है, इसका नाम जरासंध होगा। तो वो राक्षसी खुश हो जाती है, कहती है मैं भी इसे वरदान देती हूँ, जब तक जहां से मैंने जोड़ा है वहां से जब तक इसे कोई फाड़ेगा नहीं तब तक इसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। इसलिए ये अजेय था और अत्यंत दुस्साहसी था, बड़े बड़े राजाओं को इसने कैद में कर रखा था, कोई भी सज्जन अगर आवाज उठाता था उसको कैद में कर लेते थे। इसे कहते हैं जब सब अलग अलग हो जाते हैं। कल मैं यही बात कर रही थी ना एकता की, कि देश की एकता कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश पर या चाहे उस पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति बैठे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो चाहे कोई भी व्यक्ति बैठे,
और अगर हमारे देश के लिए कोई बात कही जा रही है तो वो क्या है? हमारा ही अपमान है, प्रत्येक नागरिक का अपमान है, और उसके लिए सबको एकता होनी कितनी आवश्यक है। लेकिन उस समय भी राक्षस बहुत अत्यधिक थे, लेकिन लोगों में संगठन नहीं था, सब में ताकत थी, भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर क्या था, वो ताकतें बिखरी हुई थी। भगवान श्री राम जब आए, ऐसा नहीं कि भगवान रावण को मारने आए हैं, रावण को मारने वाली शक्तियां पहले से धराधाम पर थी। परशुराम थे जिन्होंने 21 बार छत्री को विहीन कर दिया था, 21 बार सरोवर तालाब बना दिए थे रक्त के छत्रियों को मारकर। कितनी ताकत थी उनमें। विश्वकर्मा जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, दशरथ जी, जनक जी, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा थे, किंतु सब अलग थलग पड़े थे। भगवान ने ब्याह करके वशिष्ठ को विश्वामित्र से जोड़ा, जनक को दशरथ जी से जोड़ा, सभी महात्माओं को अगस्त से जोड़ा। भगवान ने जोड़ने का काम किया है, उन शक्तियों को संगठित किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना किसकी है? कौरवों की है। अगर ऐसी संख्या में देखा जाए तो कौन जीतता? 1 और 7 अक्षौहिणी, 1 और 11 अक्षौहिणी, कौन जीतता? कौरव ही जीतते ना। पर आपको पता है, संख्या में विजय नहीं है, संख्या में विजय नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे 100, 1 और 5, 1 और, कौन जीतेगा? आज की परिभाषा में देखो तो आपको लगता है 5 जीत जाएंगे 100 के मुकाबले। हकीकत प्रैक्टिकल में हो, आपको लगता है ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं है। संख्याओं में बल नहीं होता, संख्याओं में विजय नहीं है। किसमें विजय है? संगठन में। अगर 5 के अंदर संघर्ष करने की क्षमता है तो वो 1000 को हरा सकते हैं, ये पक्की बात है। कई बार लोग सत्य बोलते हैं, हम बहुत सत्य बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य का सहारा लेते हैं, पर ये नहीं देखते सत्य शब्दों में कैद नहीं होता। शब्दों में सत्य नहीं है, सत्य किसमें? सत्य बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, वो सत्य है। इसलिए हमारे यहां कहा गया, इन जगहों पर अगर झूठ बोला जाए तो वो सत्य है। किन जगहों पर? जब विनोद चल रहा हो, हंसी मजाक चल रहा हो, पति पत्नी विनोद कर रहे हो, पति कह दे अरे तेरे भाई की लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, और वो कहे सच बोल रहे हो, ये जगह झूठ बोल दे तो वो सत्य जैसा ही है। बेटी का ब्याह होने वाला है और अचानक वहां पर बोलना पड़े झूठ, माँ हॉस्पिटल में है और बेटी का ब्याह हो रहा है, बेटी बार बार फोन कर रही है जो हॉस्पिटल में उसकी माँ के साथ है, माँ कैसी है, और वो माँ खत्म हो गई है, लेकिन वो जो वहां पर है वो नहीं बताएगा, नहीं नहीं सब सही है, तुम करो विवाह की रीति आगे बढ़ाओ। वो बार बार पूछेगी कि माँ ठीक है? हाँ सब ठीक है, पहले आगे बढ़ाओ। ऐसे कार्यों में अगर असत्य बोला जाए तो वो सत्य है। कोई हिंसा कर रहा हो, आप सत्यवादी हैं, लेकिन 4 आदमी आगे से आकर के किसी आदमी को मार रहे थे, मारना चाहते थे, वो आदमी बच करके निकलता है और तुम्हारे सामने झाड़ी में छुप गया, और तुम देखते हो ये आदमी कौन है जो भाग कर आया, खून से लथपथ है, तभी 4 आदमी हाथ में हथियार लेकर आए आपके पास में, तुमने किसी को भागते हुए देखा? और तुम सत्यवादी हो, क्या कहोगे? हाँ देख रहे, ये ना छुपा हुआ ये रहा, इसमें आपने सत्य बोला, महान पाप किया आपने। उस समय सत्य क्या है, उनको बोलो हाँ हाँ वो आगे गया है, जाइए वहां पर, मैंने भागता हुआ देखा अभी अभी, उसे बचाना। क्योंकि सत्य का परिणाम क्या निकलेगा वो सत्य है, शब्द सत्य नहीं है। इसलिए सत्य की परिभाषा बदल जाया करती है, जहां जिस सिचुएशन, जिस समय, जैसे आप, उसका परिणाम निकल के आने वाला है वो सत्य है महाराज। इसलिए सत्य बोलो, लेकिन ये भी प्रिय बोलो। कैसा बोलो? जो प्रिय घटित हो, उस सत्य का परिणाम सुंदर हो, किसी की हत्या हिंसा ना हो जाए उसमें, कोई बेरहम ना मारा जाए।
यहां भगवान जरासंध जो होता है वो 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है और भगवान हर बार उसे हराते हैं। 18वीं बार पूरी प्लानिंग के साथ आता है। हमारे यहाँ पहला देश में घुसपैठिया घुसा था जो फॉरेन कंट्री का था वो था यूरोप से आया हुआ, उस समय यवन देश कहते थे उसे, यवन से आया हुआ था काल्यवन। तो उसे वरदान था कि यदुकुल में उसे कोई नहीं मार सकता, तो यदुकुल में उसे कोई नहीं मार सकता, तो जरासंध कहते तुम पहले जाना मैं पीछे से आऊंगा। अब भगवान को सबसे पहले मथुरा वासियों को जगह पर भेजना पड़ा जिसका नाम था द्वारिका। ये जो समुद्र के बीच, देखो इतना आसान नहीं है अपने आप को बदलना, अपनी राजधानी को बदलना। अब भगवान ने मथुरा की ओर मारा, जानो पड़ो गुजरात। अब ये गुजरात की जमीन किसकी है? भगवान कृष्ण की। बलराम जी को दहेज में मिली थी। किसको मिली थी? क्योंकि जो रेवती जी हैं, उनके पिता हैं रेवत, उन्होंने बेटी का ब्याह किया, तो वो जो समुद्र के खंड का जो भाग द्वीप है वो उन्हीं का पर्वत था, वो उन्होंने उन्हें प्रदान कर दिया, उस पे द्वारिका बसी। ऐसी अद्भुत नगरी कि अगर कोई आक्रमण करे तो डूब जाती थी जल में, और अगर देखे अपने आप को सुरक्षित तो बाहर निकल आती थी। जब डूबती थी तो किसी को लगता नहीं था कि जल में हम हैं, सबको लगता आकाश के अंदर हैं। जब सबसे पहले मथुरा वासियों को पहुंचाया गया, मत्स्य पुराण में वर्णन है, तो कहा कैसी नगरी? भगवान कृष्ण ने कहा देख लो कैसी नगरी है ये,